आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे। सीएम योगी ने गोला गोकर्णनाथ सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान पूरा विपक्ष गायब रहा, सपा को अभी भी हार का खतरा बना हुआ है। छोटी काशी और भगवान शिव की नगरी को प्रणाम करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 8 महीने पहले वह इसी राजेंद्र गिरी स्टेडियम में दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को जिताने के लिए आए थे और आप सब ने उन्हें खूब समर्थन और आशीर्वाद दिया था। लखीमपुर की 8 सीटों पर जनता ने आशीर्वाद दिया था। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस धरती को प्रणाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप सबके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि रहे स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है। पूरा देश लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अनेक कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। मैं स्वयं प्रातः काल लखनऊ में ही प्रातः 8:30 बजे हजारों नागरिकों, स्कूली छात्रों के साथ एक राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बना। रन फॉर यूनिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर हर जनपद में आयोजन हो रहे हैं और इसके बाद इसी माटी के लाल स्वर्गीय राम कुमार वर्मा जी ने सरदार पटेल स्मारक समिति का जो गठन करके सरदार पटेल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए आज से 30 वर्ष पहले जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, आयोजन समिति के द्वारा आयोजित पुष्पांजलि के कार्यक्रम के साथ भी मुझे जुड़ने का अवसर मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे धीरज तिवारी का। धीरज लखीमपुर दौरे पर सीएम योगी रहे, जहां गोला गोकर्णनाथ सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा सीट पर जिसके उपचुनाव 3 नवंबर को होना है, जिसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ गोला पहुंचे हैं, एक बहुत बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। वहां पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने संबोधन शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने गोला गोकर्णनाथ की धरती को नमन किया, उसके बाद में अपना संबोधन शुरू किया। शुरुआती दौर से ही उन्होंने गोला गोकर्णनाथ, जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, उसको और भी भव्य बनाने का, जो दिवंगत विधायक अरविंद गिरी का सपना था उसको पूरा करने की बात कही। उसके बाद में जो उनके पुत्र जो भाजपा से प्रत्याशी हैं अमन गिरी, उनके पक्ष में लोगों से वोट करने की भी अपील की, इनकी इनको वोट करके जिताइए और ये जो अरविंद गिरी के सपने अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करेंगे और जो उनका गोला गोकर्णनाथ जो कॉरिडोर का मामला है वो पूरी तरीके से कार्य चल रहा है, उस पर उसकी सर्वे भी हो चुकी है, लखनऊ की टीम कर चुकी है और उसके बाद में अन्य भी गन्ना पेमेंट पर भी योगी आदित्यनाथ ने दिया बताया कि मिल चलने के पहले जो भी मिल पेमेंट नहीं करेगा उसको सीधी तौर से हमारी जेलें हैं वो इंतजार कर रही हैं। हम किसी भी तरीके से भ्रष्टाचारी या किसी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन जिस तरीके से गोला विधानसभा की उपचुनाव सीट पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 40 स्टार प्रचारक उतारे गए थे अब और उसके बाद में आज योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं मौके पर, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय कि एक उपचुनाव सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 40 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं, तो ये एक आम जनता में जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो रेखारूण वर्मा है वो भी शामिल है, अन्य कई मंत्री रीना तिवारी भी शामिल है। तो इस तरीके से ये आज जो योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से वोट करने की अपील की है गोला में।
धीरज, गोला गोकरनाथ सीट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट पर ना तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है ना बीएसपी ने उतारा है, इस पे सपा और बीजेपी की जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दो मैदान में कुछ निर्दलीय प्रत्याशी, लेकिन जो सपा और भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके बीच में एक बहुत ही बड़ी टक्कर है, जो आम जनता से आप बात भी करते चर्चा भी, लेकिन कहीं ना कहीं से जो गुप्तगु हो रही है, चर्चाओं का जो बाजार है वो बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय, जिससे दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कई मंत्री और कई पार्टी के पदाधिकारियों को गोला विधानसभा में इस तरीके से उतार दिया, जिससे कि बहुत बड़ा ही दंगल महसूस किया जा रहा है। तो धीरज, क्या लगता है किसका परचम लहरा पाएगा, जनता किसके तरफ ज्यादा झुकाव महसूस कर रही है? देखिए, अब ये तो कह पाना बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल होगा कि किसके, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशियों का पल्ला जो है लगभग बराबर ही है। जिस तरीके से आम जनता से, वोटरों से बात की जाए, वोटर अपना रुख खोलने को तैयार नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जरूर महसूस किया जा रहा है कि बिल्कुल टक्कर जो है वो बहुत ही अच्छी टक्कर होगी इस बार चुनाव में। धीरज, 3 नवंबर को मतदान होना है, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है मतदान को लेकर, कहीं कड़ी सुरक्षाओं की निगरानी के बीच में हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाएगी, कहीं ना कहीं कोई चूक न होने पाए, इसलिए जो जिलाधिकारी के द्वारा बराबर बूथों का भी दौरा किया जा रहा है जहां बूथ बनना है, और मीटिंग बराबर की जा रही है, जो जिनकी ड्यूटी लगाई उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, तो पूरी जो चुनाव के लिए तैयारी है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की जा चुकी है। धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ के मोहनलालगंज के धनवारा में दिल को दहला देने वाला खबर सामने आई है। दरअसल कुछ दिन पहले व्यक्ति की पहले हत्या कर दी जाती है और फिर फांसी के फंदे से लटका दिया जाता है, और आज मामले का मासूम बच्चे ने पिता के मौत का राज खोला है। जिसने भी घटना सुनी हर कोई दंग रह गया। धनवारा में पुलिस को सूचना मिली कि गांव में रहने वाले प्रदीप ने फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर पहुंची, बच्चे से बात की तो घटना की असलियत सामने आई है कि प्रदीप की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने की है। पत्नी का नाम ज्योति है। बताया जा रहा है कि ज्योति का रंग गोली नाम के युवक से अफेयर था। प्रदीप को इसकी जानकारी हुई तो सितंबर में घर से निकाल दिया था। इसके बाद पत्नी अलग रहती थी जबकि प्रदीप अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शादाब हमसे जुड़ेंगे। शादाब, प्रेमी और पत्नी द्वारा पति की हत्या कर दी गई, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मयूरी, मैं बता दूं कि ये रात का मामला है जब प्रेमी और इसकी पत्नी घर आती है और पहले लड़ाई झगड़ा करती है प्रदीप नामक व्यक्ति से जो मृतक है उससे लड़ाई झगड़ा करती है। उसके बाद वो अपने बच्चों को लेके जाती है। उसके बाद जो इसका प्रेमी है रंगोली नाम का वो आता है, उसको मारता पीटता है, उसके बाद उसको अधमरा करता है। उसके बाद जब अधमरा हो जाता है तो उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। फिलहाल जो बच्चा था वो पूरी घटना को देखता है, उसके बाद वो पुलिस को सूचना देता है। जब पुलिस मौके पे आती है तो उसने पूरी बात, जो पूरी घटना थी वो पुलिस को बताई। पुलिस को यही बताया गया है कि
पत्नी और जो उसका प्रेमी था वो आता है घर पे, इनको मारता पीटता है, बुरी तरह से मारता है, उसके बाद अधमरा करके उसको फांसी पे लटका देता है और मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि जो बच्चा था वो बच्चे को भी इन लोगों ने बंद कर दिया था। बंद करने के बाद जब इसको फांसी पे लटका दिया है मृतक को, उसके बाद बच्चे को बाहर निकालते हैं और ये मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो पुलिस का कहना है, पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि इसकी जाँच की जा रही है और साथ ही जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं है और ना ही जो अभी जो प्रेमी है उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी पहले जांच की जाएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी शादाब, ये हत्या की बड़ी घटना है, तो क्या मुख्य वजह निकली है हत्या की कि प्रेमी और पत्नी द्वारा पति की हत्या कर दी गई? देखिए मैं बता दूं आपको, जो मृतक है उसको इस बात की जानकारी हो गई थी, आप जो प्रेम पतंग का मामला था ये सामने आया तो उसके बाद उसने मना किया कि जो है मेरे घर पे रंगोली नाम का बंदा था वो आता था, तो वो मना करता था कि यहाँ इसको नहीं लाना है, लेकिन वो यहाँ आता था और साथ में बैठता होता था, जो इसको नागवारा गुजरा। उसके बाद ही उसने जब ज्यादा मना किया तो इन लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया और इसकी गला घोट के हत्या की गई और बाद में इसको फंदे पे लटका दिया गया। जी शादाब, अभी तक इस पूरे मामले पे क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है? देखिए जो मोहल्लागंज एसीपी है उनसे बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर यही बात बताई है कि इसकी जांच की जाएगी और जो बच्चे का बयान है, बच्चे का बयान ले लिया गया है और साथ ही जो मुकदमा लिख दिया गया है। अब ये देखना ये है कब तक ये गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन अभी जो पुलिस कह रही है वो ये कह रही है कि इसकी जांच की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आए उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसको ये लटकाया गया है कि वो खुद लटका है। लेकिन ये एक बड़ी घटना है और पुलिस इसको जो है हल्के में लेके निपटारा करने के चक्कर में है। जी धन्यवाद शादाब तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में डेंगू और चिकनगुनिया के साथ स्वाइन फ्लू बेकाबू होने लगा है। स्थिति यह है कि प्रदेश में मरीजों की संख्या 381 हो गई है। इसमें गाजियाबाद पहले, गौतम बुद्ध नगर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर है। इन तीनों जिलों को मिलाकर 294 मरीज हैं। शासन की ओर से अभी स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराने का निर्देश दिया गया है। मरीजों को भर्ती के लिए अलग अलग वार्ड बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बारिश के बाद मच्छर जनहित बीमारियों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। स्थिति यह है कि 30 अगस्त से 30 अक्टूबर तक डेंगू के मरीज की संख्या 379 से बढ़कर 5983, मलेरिया 1140 से बढ़कर 3477 और चिकनगुनिया 1100 से बढ़कर 38 केस तक पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग इस दावे में मस्त है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल मच्छर जनित बीमारियों की संख्या कम है। इस बीच स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी मयूरी, इस समय जो है प्रदेश जो है पूरा प्रदेश जो है डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से त्रस्त बताया जा रहा है। अगर पिछले 12 दिनों की बात करें तो लखनऊ में डेंगू से 2 मौतें पिछले 12 दिन में हो चुकी हैं। वहीं प्रयागराज में पिछले 48 घंटों में 2 छात्रों ने डेंगू से अपना दम तोड़ दिया है। डेंगू पे स्वास्थ्य विभाग को बहुत ही युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। दिन ब दिन जो है डेंगू का मामला बढ़ते चला जा रहा है। अगर कल की बात करें तो कल भी डेंगू के 24 नए मामले सूबे में मतलब लखनऊ जनपद में सुनाई दिए। इसके अगर पहले की बात करें तो चंदन नगर मोहल्ले के एक अगर एक दिन पहले की बात करें, परसों की बात करें तो सबसे ज्यादा
मामला 8 मामले जो है चंद्रनगर मोहल्ले के बताए जा रहे थे। तो डेंगू से इस समय पूरा प्रदेश जो है ग्रसित है, त्रस्त है, और वहीं स्वास्थ्य विभाग जो है अपने आंकड़े को कमतर करके बता रहा है जी। इस मसले पे जब प्राइम टीवी की टीम ने स्वास्थ्य मंत्री से कुछ हाल जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार डेंगू की संख्या काफी कम है। उन्होंने बताया कि 17,000 मामले पिछली बार थे और 4,000 मामले इस बार है, लेकिन उन्होंने 3 जिलों को भी कोट किया जिसमें प्रयागराज, लखनऊ और जौनपुर का नाम शामिल था। मयूरी, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में इस समय डेंगू के 702 एक्टिव केसेस हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं प्रयागराज की हालत लखनऊ से भी बदतर है, वहां पे 795 संक्रमित मरीज हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं तीसरे नंबर पे गाजियाबाद आता है जहाँ पे 472 एक्टिव केसेस हैं और ऐसे मरीज अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं जबकि पूरा प्रदेश डेंगू से त्रस्त है, हाहाकार कर रहा है। मयूरी जी, विवेक, जिस तरह से चिकनगुनिया और डेंगू अपना पैर पसार रहा है उसको देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराने का निर्देश दिया गया है, इसको लेकर क्या स्थिति है? जी, अगर संचारी रोगों की बात करें तो संचारी रोगों में मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, सभी सम्मिलित हो जाते हैं। और संचारी मुख्यमंत्री के निर्देश पर सूबे की सरकार ने संचारी रोग अभियान भी चलाया है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेके लोगों में जागरूकता भी फैला रही है। अभी हमने पिछले 2 दिनों में देखा था कि किस प्रकार से CMO मनोज अग्रवाल अपनी टीम के साथ साथ संचारी रोग अभियान भी चला रहे थे और हर जगह जो है लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दे रहे थे। लेकिन धरातल स्तर पे चीजें जो है अब बिगड़नी शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि वो अपने अधिकारियों और अपने कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे और संचारी रोग विभाग पर युद्ध स्तर पे काम करे। विवेक, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो अस्पतालों में कैसी व्यवस्था की गई है इसको लेकर? जी मयूरी, जो स्वास्थ्य विभाग के जो निदेशक है अविनाश सिंह, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बेडों की कमी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने साफ कहा है कि अस्पतालों में बेडों की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने वेंटिलेटर और इमरजेंसी में बेडों की कमी को एक समस्या बताया है। अगर बात करें जो आज का एक ताजा मामला है, लखनऊ के SPPGI का मामला आया हुआ है जहाँ पे एक स्पोर्ट्स टीचर की रीमा वर्मा, जिनका नाम था, वो एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थी, उनकी मृत्यु हो गई। वो 46 वर्षीय थी और पिछले आठ दिन से वो डेंगू से ग्रसित थी। जैसा कि बताया जा रहा था कि उन्होंने सबसे पहले SPPGI जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहाँ बेड अवेलेबल न होने की वजह से उन्हें किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ा और इस निजी अस्पताल में 5,00,000 रुपए खर्च करने के बाद जब उनकी हालत सुधार नहीं हुआ तो उन्हें दोबारा SPPGI आना पड़ा जहाँ पिछले 2 दिन से उनका इलाज चल रहा था और 2 दिनों के बाद आज उनकी मौत हो गई। लखनऊ में डेंगू का ये दूसरा मामला मौत का पिछले 12 दिनों में आया है, जबकि प्रयागराज में पिछले 48 घंटों के अंदर जो है 2 संक्रमित डेंगू से मर चुके हैं। तो मयूरी, ये इस तरह से आप देख सकती हैं कि किस तरह से प्रदेश में जो है डेंगू को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और खास करके लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, गाजियाबाद में ये जो 4 जिले हैं वो बेहद ज्यादा संक्रमित है, जिसकी वजह से डेंगू तो हर जगह है लेकिन ये 4 जिले ही क्यों प्रभावी है। जब स्वास्थ्य मंत्री से हमने इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों पर इसकी कार्रवाई की जाएगी। इन 4 जिलों में क्यों संचारी रोग अभियान सही से नहीं चलाया गया, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए हो, या स्वास्थ्य विभाग के लिए हो, या फिर नगर निगम के लिए हो। मयूरी जी, धन्यवाद, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में डेंगू, चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, स्वाइन फ्लू भी कहर बरपा रहा है। बता दें कि यूपी में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं कई लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक बुरा हाल है।
यूपी में डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले के मुख्य अभियुक्त आईपीएस और महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार को लखनऊ जेल से शनिवार की रात रिमांड पर लेकर क्राइम ब्रांच प्रयागराज के एसपी के नेतृत्व वाली टीम महोबा कोतवाली लाई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जहां बंद कमरे में 5 घंटे तक पूछताछ की गई, पूछताछ में उनसे क्रेशर कारोबारी की मौत से जुड़े मामले को लेकर कई सवाल किए गए, लेकिन आईपीएस पाटीदार सवालों के गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लखनऊ की एडीजी कोर्ट में 15 अक्टूबर को सरेंडर कर दिया था, तब से पाटीदार जेल में निरुद्ध हैं। मोबाइल तो है, भेजिए।
जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, क्रेशर व्यापारी की मौत के मामले में आईपीएस मणिलाल पाटीदार से 5 घंटे पूछताछ हुई। जी बिल्कुल मयूरी, आप पूछताछ तो जायज है, पर निश्चित रूप से यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि दिक्कतें यहाँ पर ये है कि जो पूछताछ हुई है उसको लेकर परिजनों ने यहाँ पर विरोध जताया है। उनका कहना था कि मणिलाल पाटीदार को यहाँ पर जो एसपी क्राइम प्रयागराज सतीश चंद्र इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इनके नाम पर इजाज सौंपी गई है, वो मणिलाल पाटीदार को यहाँ रात को लेके आए हैं और रात को ही यहाँ पर जांच की गई है, रात को ही एसपी आवास से मोबाइल बरामद कराया गया है और जांच रात को ही उनसे जांच की गई है। उनका कहना था कि पुलिस के जो कार्रवाई है वो भी यानी कटघरे के घेरे में है कि रात को क्यों लाया गया, ऐसी क्या वजह रही कि रात को रिमांड पे लेके आया गया और रात को यहाँ पूछताछ का सिलसिला जारी रहा और रात को यहाँ पर तफ्तीश की गई। वो उसी थाने में गए थे जहाँ पर कभी उनकी सरपरस्ती चलती थी, जहाँ पर कभी उनको लोग सलाम करते थे, उसी थाने में जाकर कर उनके रिमांड की शुरुआत हुई थी। उसके बाद वो एसपी आवास भी लेके गई थी टीम, उनको वहां से मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अलावा जो परिजनों ने विरोध जताया है कि इस तरह जो कार्रवाई हुआ है, ये पूछताछ हो रही है, रिमांड पर लेके जाया जा रहा है, वो कार्रवाई रात नहीं अगर दिन में होगी तो तमाम चीजें और सामने निकल के आएंगी, क्योंकि 2 साल तक लगातार पुलिस को सरकार को चकमा देने के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम जो अदालत है वहां पर सरेंडर किया था 15 अक्टूबर, तो कहीं ये देखा जाने वाली बात है कि 1 लाख के नामी आईपीएस मणिलाल पाटीदार 2 साल तक कैसे राज्य की बेहतर व्यवस्था को चकमा देते हुए फरार रहा, उसके बाद तमाम अटकलों को विराम देते हुए यहां पर 15 अक्टूबर को आप समर्पण कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहां पर शासन की कानून व्यवस्था की नाकामी है। इसको देखते हुए यहां पर परिजनों ने नाखुश भी जताई थी, पर जिस तरह से रिमांड चल रही है, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है, तो परिजनों ने यहाँ विरोध जताया। हालांकि तमाम चीज़ें सामने निकल के आने वाली है क्या कुछ रहा, क्योंकि यहाँ मामला केवल भ्रष्टाचार जुड़ा नहीं है, यहाँ पर इंद्रकांत त्रिपाठी की मृत्यु का मामला भी है, किस तरह उन्होंने वीडियो बनाकर अगले दिन उनकी मृत्यु हो यानी उनकी यानी हत्या हो गई थी या मृत्यु हुई थी ये स्पष्ट नहीं है, पर निश्चित रूप से यहाँ पर तमाम जो धारा है वो मणिलाल पाटीदार पर लगी हुई है। जी गौरव, आईपीएस मणिलाल पाटीदार से पुलिस ने 5 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद अब परिवार ने भी विरोध कर दिया था, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए अब रिमांड कहाँ कहाँ होना है, एसआईटी जांच है, हालांकि पहले एसआईटी जांच के लिए भी अनुमति नहीं मिली थी, उसके बाद जब परिजनों ने विरोध जताया, 2 साल पुरानी घटना है, परिजनों ने विरोध जताया, परिजनों ने मांग की, तब मजबूरी में आके शासन ने एसआईटी जांच के लिए यानी हाँ भी भरी थी, उसके बाद एसआईटी जांच चल रही थी, तमाम चीज़ें निकल के आई है, एसआईटी टीम भी जांच कर रही है, एसपी क्राइम सतीश चंद्र प्रयागराज के उनकी जाँच सुपुर्द की गई है, रिमांड की चल रही है, कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है, पर परिजनों का कहना केवल एक है कि अगर पूछताछ की जो कार्रवाई है वो रात को अंधेरे में क्यों की जा रही है, रात को 12 बजे लिया जाता है, सुबह 5 बजे तक पूछताछ चलते, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह रहेगा। बाकी जो सूत्र निकल के आया, सूत्र ये बताते हैं कि मणिलाल पाटीदार जाँच के दौरान भी, पूछताछ के दौरान भी यहाँ गोलमोल जवाब देते नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संलिप्तता तो नजर आती है। अब आने वाले समय में किस तरह व्यवस्थित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है पूरे तरह से गंभीर था, बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी, तो तमाम वजह रही है, एसआईटी जांच के फिलहाल कार्रवाई जारी है, रिमांड पर रिमांड बढ़ती रहेगी और कार्रवाई चलती रहेगी, पूछताछ भी निकल के सामने आएगा कि क्या कुछ तथ्य रहे हैं इस पूरे मामले में। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।